लाइव कोलकाता, आपकी सोच। महानगर कोलकाता में कंटेनमेंट जोन की संख्या कम हो गई है। पहले ये 28 थी जो अब कम होकर 24 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमण और कंटेनमेंट जोन की संख्या में कोलकाता का 8 बोरो है। इसमें 3 नंबर बोरो भी शामिल है। इनमें 1, 2, 5, 10, 11, 15, 13 और 14 नंबर बोरो में अब कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। आपके सामने है 4 नंबर बोरो का वार्ड नंबर 25 स्थित बलराम देव स्ट्रीट की तस्वीर, जो अब भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है और यहां अभी भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये नई लिस्ट है जिसमें 24 जगह अब कंटेनमेंट जोन के अंदर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बुधवार की दोपहर दुर्गापुर आए थे। दुर्गापुर हाउस में रात बिताने के बाद वह सुबह चित्रकला मैदान के लिए निकले। उनके साथ इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण घोराई भी मौजूद थे। उन्होंने कई भाजपा समर्थकों के साथ मुलाकात की और काफी देर तक उनकी सारी शिकायतों को सुना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों पर लोगों ने उनसे शिकायतें की। अगर अनेक जगह जावे कारण कि जे मिथ्याचार करेछेन सेगुलो सब धरा पड़े जाच्छे, साधारण मानुष सब बुझे गेछे। आमरा तो जनतार दरबारे ही जाबो, ओराई शेष कथा बोलबे। রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা যাব, কারণ আমরা অত্যাচারিত, আমরা পীড়িত, আমাদের লোকেদের হত্যা করা হচ্ছে। ওনারা কেন যাচ্ছেন? আজকে সত্যকে চাপা দেওয়ার যত রকম চেষ্টা করছেন, সত্য তত বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মিথ্যাচার হয়েছে, আর সেই কোভিডের আক্রমণ, মৃত্যু, আক্রান্তের সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে তারপরে আমফানের যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকেদের সংখ্যা, বাড়ির সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণের চুরি এবং এখন যে ধরনের রাজনৈতিক হিংসা চরমপর পৌঁছেছে, একজন এমএলএর সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তার জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। পশ্চিম বঙ্গাল কে মুর্শিদাবাদ জেলে মে এক সাথ 5 বচ্চো কে ডুবনে সে দর্দনাক মৌত হো গই। ইস ঘটনা কে বাদ সে পুরে ইলাকে মে আতঙ্ক ফালা হুয়া হ্যায়। মিলি জানকারি কে অনুসার 5ও বচ্চে মুর্শিদাবাদ জেলে কে রানীনগর পুলিশ থানে কে তহত দক্ষিণী শহর কে দিয়ারা পাড়া ইট ময়দান সে সটে ইলাকে মে খেল রহে থে। तभी एक बच्चा खेलते खेलते तालाब में जा गिरा और उसे बचाने गए 4 बच्चे भी तालाब में डूब गए। जब चारों बच्चे डूब रहे पहले बच्चे को बचाने गए, उस दौरान मुर्शिदाबाद में काफी झमाझम बारिश हो रही थी, जिससे 5ों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। काफी देर बाद जब बच्चे के माता पिता उन्हें ढूंढने निकले, तब तालाब में उनके शव को तैरता हुआ पाया। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। मौके पर रानीनगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। কখন গেছিল বাড়ি থেকে? কখন গেছিল বাড়ি থেকে? বাড়ি থেকে গেছে তখন ছিল না, তো বাড়িতে ছিল 12টার সময়। তাই বাড়ি গেল মুড়ি খেলো আমার কাছে দিয়ে ওইল আমি ধরে 4টার সময় তো মার বাড়ি ওই অন্য জনে বলো না কি হয়েছিল তাই বলছো। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में गिरते शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन छात्रों के माध्यमिक की परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आए हैं, उनके लिए सरकार मुआवजे की घोषणा पर उनके साथ बैठक में चर्चा क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कॉलेजों में दाखिला के लिए पैसे न होने के अभाव में कई छात्राओं का शोषण भी किया जा रहा है। माई मोटिवेशन
object in calling a virtual meeting of the VCs, which they opposed to the nail in a war-like situation? Where are we heading? Our roof is falling on us and we are not cognizant of it. Why are they opposing it to the nail in war-like situation? They have no idea. I therefore can't understand why they are against it. Question was raised on my propriety to call such a meeting. They rush to the media and I do not wish to say much. They get ample coverage. That coverage will hurt the students and society in the long run. I will appeal to the media, engage into balanced reporting. Governor Chancellor takes a stand on sublimity, on way forward approach to alleviate the real grievance of students. But the bigger question is, if the state government is in ever, never-ending denial, then what should I do? Who will do it? I don't see anyone doing it. I pose a question through media to everyone. Is it inappropriate for a governor to raise legitimate questions? Can education department and VCs proclaim taking them to be higher pedestal that they will not take a command from the chancellor? Are they not accountable? When will these people will become accountable? Would they take partisan approach? Be inspired by their political masters? Ignoring their sense of duty? Their concern for students? The saddest element in their entire gamut is they forget one thing. These students are in crisis, in deep crisis during pandemic attack. It is a fact now well accepted. लेफ्ट कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को असेंबली के बाहर धरना दिया, जिसमें कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज सहित अन्य बीमारियों से प्रभावित लोगों के पैसे निकालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। लेकिन कार्यक्रम को उस समय के लिए रोक दिया गया जब कोरोना द्वारा विधानसभा कार्यकर्ताओं में से एक पर हमला किया गया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने फिलहाल कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन जिन मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है उनके साथ उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार से कोरोना और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सभी इंतजाम करने और पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ব্যয়বহুল শিক্ষা হয়েছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, কোনো জায়গায় দিচ্ছে না, সরকারি বেসরকারি সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হচ্ছে না, এমনকি অভিযোগ আসছে হাওড়ার একটা করোনা সেন্টার থেকে প্রচুর টাকা দিলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে, ধরাধরি করলে কাউকে মন্ত্রীকে বড় নেতাদের ধরাধরি করলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে এবং তার বিনিময়ে টাকা দিতে হচ্ছে, এরকম অভিযোগ আসছে। তো মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম করোনায় আক্রান্ত এবং করোনা যারা নয় অন্য রোগে আক্রান্ত তাদের সবার চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করুন, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখানে ওখানে গিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন, সেটা যেন না হয়। আর আমফানের দুর্নীতি যারা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী এখনও বলছেন, তার নেতা নেত্রী মন্ত্রীরাও বলছেন যে তারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কঠোর ব্যবস্থা মানে পদত্যাগ করানো হচ্ছে বা শোকজ করা হচ্ছে। চোরকে তো শোকজ করে শাস্তি হয় না, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে। আপনি এফআইআর করুন, আমরা আপাতত স্থগিত রেখেছি, কিন্তু এটা চিরকালের জন্য বন্ধ রাখিনি, কারণ আমরা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলন করিনি, জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করছি। জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে যে বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা যারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা দুর্নীতির ফলে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাদের স্বার্থে আমরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার পরও যে সমস্ত আচরণগুলো করছেন, কালকে বললেন 90% সব ডান হয়ে গেছে, তা কাজ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি চলুন একটা গ্রামে, যে কোনো এক গ্রামে আপনার একটা লোককে পাঠান, আমরা গিয়ে দেখবো যদি 90% কেন 50% লোক যদি ত্রাণ পেয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের আন্দোলন আমরা প্রত্যাহার করে নেব।
মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে অসত্য ভাষণ দিয়ে বিবৃতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, অসহায় মানুষকে আরো বেশি বিপদে ফেলবেন না। তার কাছে আমাদের অনুরোধ, আমরা এগুলো লক্ষ্য করব, দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা আবার নেব, কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষণা করব সুজনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলে। কিন্তু দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার অনুরোধ করছি, যে দাবিপত্র আমরা পেশ করেছি সেগুলো আপনি দেখুন, খুঁটিয়ে দেখুন, যদি কোথাও ভুল থাকে আপনি আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের না জানালেও প্রেসে জানিয়ে দিন যে এই দাবিগুলো ঠিক নয়, এগুলো সত্যি নয়। আর আপনাকে বলছি, कोरोना महामारी के बीच बाढ़ का खतरा किसी अभिशाप से कम नहीं। लगातार बारिश से नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप मुजफ्फरपुर में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि जिले के 3 प्रखंड बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो कि औराई, कटरा व गायघाट प्रखंड है। वहीं बाढ़ के पानी से बेनीबाद कटरा मुख्य मार्ग पर कई जगह लगभग 1 से 1.5 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। लोग पलायन होने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक न ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई पहल की गई है। बाढ़ अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। वहीं लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर गायघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। इधर कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के लोगों ने बताया है कि पंचायत में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की राहत की पहल नहीं की गई है। लोग अपने बच्चों को घर के जरूरी सामान और पालतू मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर ले जाते हुए दिखे। कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया है कि अभी बाढ़ को लेकर किसी तरह की कोई भी तैयारियाँ नहीं की गई है। अभी पंचायत का बुरा स्थिति है, यहाँ चारों साइड से पानी बस्ती में प्रवेश कर चुका है। राहत को लेकर, राहत के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। नाव ये सब प्राप्त हुआ है कुछ? नाव बहुत नगण मात्रा में दिया गया है, जो प्राइवेट नाव ही खर्च कर रहे हैं। मतलब मांग की गई है सीओ से आपकी या जिला प्रशासन से किसी प्रकार की? सीओ साहब से मांग की गई है, जबकि ब्लॉक में नाव की व्यवस्था भी नहीं है। राहत तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, उसका प्रवेश परिवार का, परिवार का खाली जान बचाता है बस। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है। कितने दिनों से ये पानी चढ़ रहा है? कल से पानी है। कितना फीट चढ़ा होगा? 2.5 फीट के करीब है। अब घर में आप लोग का पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया। नेपाल से आने वाली नदी पसा एवं दुधावरा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदी एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। पुरैनिया गांव के पास बांध टूटा तो कई गांव भतनहिया पंचायत, नरकटिया, पुरैनिया, रामपुर समेत शिशवनिया पंचायत का हालत जलमग्न होने के कारण बाढ़ जैसा रूप ले लिया है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान की फसलें 100% खत्म हो जाएगी। अभी तक भतनहिया के दर्जनों घर में पानी घुस गया है। कई घर भी बाढ़ के पानी एवं वर्षा के पानी के कारण ध्वस्त हो गया है। राजद विधायक डॉ. शमीम अहमद ने बताया है कि सरकारी तंत्र ने नेपाल से आदापुर होकर आने वाली मरधर नदी को पसा नदी में मोड़ दिया है, जिसमें करोड़ों की राशि बंदरबांट किया गया। इसी कारण पसा नदी के चौड़ाई कम होने के कारण पानी का फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर बांध टूट जाता है। सैकड़ों एकड़ की फसलें नष्ट हो गई, जिसमें 5 पंचायत प्रभावित होती हैं। 3 साल पहले मरधर पसा और पुराना पसा का विभाग द्वारा टेंडर करके और मेन पसा में इसको आदापुर से ला करके जोड़ दिया। इसमें करोड़ों की घपला हुई। उसी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि आदापुर से पानी ला करके छावड़ादानो में गांव को डालाना ये विभागीय त्रुटि है और ये लूट का पहले से अड्डा बना हुआ है ये विभाग, और उसी में ये पैसे का उधारी भाग। मैं बार बार विभाग से भी संपर्क में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लापरवाह अफसर पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसको सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5ों पंचायत, खास करके पुरैनिया पंचायत के डोडिया, भवानीपुर, पुरैनिया, बैसकवा,
गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी जा जाता है और वहाँ दहशत का माहौल रहता है। और इससे प्रभावित यहाँ के किसान 5 पंचायत लगभग पुरैनिया पंचायत, भतनैया पंचायत, रामपुर पंचायत, पिनकोनी पंचायत और बगल के आदापुर के बिलैया पंचायत और रामपुर पंचायत, ये 5ों पंचायत ये जलमग्न हो जाते हैं और इसमें खेती करने के लायक खेत बचता नहीं है क्योंकि पानी इतना रहता है, 3 से 6 फीट तक पानी खेतों में लगा रहता है। तो मैं अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये 5ों पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए। लाइव कोलकाता, आपकी सोच। लाइव कोलकाता, आपकी सोच। महानगर कोलकाता में कंटेनमेंट जोन की संख्या कम हो गई है। पहले ये 28 थी जो अब कम होकर 24 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमण और कंटेनमेंट जोन की संख्या में कोलकाता का 8 बोरो है। इसमें 3 नंबर बोरो भी शामिल है। इनमें 1, 2, 5, 10, 11, 15, 13 और 14 नंबर बोरो में अब कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। आपके सामने है 4 नंबर बोरो का वार्ड नंबर 25 स्थित बलराम देशमुख की तस्वीर, जो अभी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है और यहां अभी भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये नई लिस्ट है जिसमें 24 जगह अब कंटेनमेंट जोन के अंदर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बुधवार की दोपहर दुर्गापुर आए थे। दुर्गापुर हाउस में रात बिताने के बाद वह सुबह चित्रकला मैदान के लिए निकले। उनके साथ इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण घोराई भी मौजूद थे। उन्होंने कई भाजपा समर्थकों के साथ मुलाकात की और काफी देर तक उनकी सारी शिकायतों को सुना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों पर लोगों ने उनसे शिकायतें की। কারণ কি যে মিথ্যাচার করেছেন সেগুলো সব ধরা পড়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ সব বুঝে গেছে। আমরা তো জনতার দরবারেই যাব, ওরাই শেষ কথা বলবে। রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা যাব কারণ আমরা অত্যাচারিত, আমরা পীড়িত, আমাদের লোকেদের হত্যা করা হচ্ছে। ওনারা কেন যাচ্ছেন? আজকে সত্যকে চাপা দেওয়ার যত রকম চেষ্টা করছেন সত্য তত বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মিথ্যাচার হয়েছে আর সেই কোভিডের আক্রমণ মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে তারপরে আমফানের যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকেদের সংখ্যা, বাড়ির সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণের চুরি এবং এখন যে ধরনের রাজনৈতিক হিংসা চরমপর পৌঁছেছে, একজন এমএলএর সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তার জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। পশ্চিম বঙ্গাল কে মুর্শিদাবাদ জেলে মে এক সাথ 5 বচ্চোঁ কে ডুবনে সে দর্দনাক মৌত হো গই। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आतंक फैला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 5ों बच्चे मुर्शिदाबाद जिले के रानी नगर पुलिस थाने के तहत दक्षिणी शहर के दियारापाड़ा ईट मैदान से सटे इलाके में खेल रहे थे। तभी एक बच्चा खेलते खेलते तालाब में जा गिरा और उसे बचाने गए 4 बच्चे भी तालाब में डूब गए। जब 4ों बच्चे डूब रहे पहले बच्चे को बचाने गए, उस दौरान मुर्शिदाबाद में काफी झमाझम बारिश हो रही थी जिससे 5ों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। काफी देर बाद जब बच्चे के माता पिता उन्हें ढूंढने निकले तब तालाब में उनके शव को तैरता हुआ पाया। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। मौके पर रानी नगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। আমি অন্য জিনে বলো না কি হয়েছিল তাই বলছি। কাজ করছে
ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में गिरते शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन छात्रों के माध्यमिक की परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आए हैं उनके लिए सरकार मुआवजे की घोषणा पर उनके साथ बैठक में चर्चा क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कॉलेजों में दाखिला के लिए पैसे न होने के अभाव में कई छात्राओं का शोषण भी किया जा रहा है। My motivation, object in calling a virtual meeting of the VCs, which they opposed to the nail in a war-like situation. Where are we heading? Our roof is falling on us and we are not cognizant of it. Why are they opposing it to the nail in war-like situation? They have no idea. I therefore can't understand why they are against it. Question was raised on my propriety to call such a meeting. They rush to the media and I do not wish to say much. They get ample coverage. That coverage will hurt the students and society in the long run. I will appeal to the media, engage into balanced reporting. Governor Chancellor takes a stand on sublimity, on way forward approach to alleviate the real grievance of students. But the bigger question is, if the state government is in ever, never ending denial, then what should I do? Who will do it? I don't see anyone doing it. I pose a question to media, to everyone. Is it inappropriate for a governor to raise legitimate questions? Can education department and VCs proclaim taking them to be higher pedestal that they will not take a command from the chancellor? Are they not accountable? When will these people will become accountable? Would they take partisan approach, be inspired by their political masters, ignoring their sense of duty, their concern for students? The saddest element in their entire government is they forget one thing. These students are in crisis, in deep crisis during pandemic attack. It is a fact now well accepted. लेफ्ट कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को असेंबली के बाहर धरना दिया जिसमें कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज सहित अन्य बीमारियों से प्रभावित लोगों के पैसे निकालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। लेकिन कार्यक्रम को उस समय के लिए रोक दिया गया जब कोरोना द्वारा विधानसभा कार्यकर्ताओं में से एक पर हमला किया गया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने फिलहाल कार्यक्रम स्थगित कर दिया है लेकिन जिन मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है उनके साथ उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार से कोरोना और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सभी इंतजाम करने और पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ব্যয়বহুল শিক্ষা হয়েছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, কোনো জায়গায় দিচ্ছে না, সরকারি বেসরকারি সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হচ্ছে না, এমনকি অভিযোগ আসছে হাওড়ার একটা করোনা সেন্টার থেকে প্রচুর টাকা দিলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে, ধরাধরি করলে কাউকে মন্ত্রীকে বড় নেতাদের ধরাধরি করলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে এবং তার বিনিময়ে টাকা দিতে হচ্ছে,
এরকম অভিযোগ আসছে। তো মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম করোনায় আক্রান্ত এবং করোনা যারা নয় অন্য রোগে আক্রান্ত তাদের সবার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এখানে ওখানে গিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন সেটা যেন না হয়। আর আমফানের দুর্নীতি যারা করেছে মুখ্যমন্ত্রী এখনো বলছেন তার নেতা নেত্রী মন্ত্রীরাও বলছেন যে তারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কঠোর ব্যবস্থা মানে পদত্যাগ করানো হচ্ছে বা শোকজ করা হচ্ছে। চোরকে তো শোকজ করে শাস্তি হয় না, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে। আপনি এফআইআর করুন, আমরা আপাতত স্থগিত রেখেছি কিন্তু এটা চিরকালের জন্য বন্ধ রাখিনি, কারণ আমরা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলন করিনি, জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করছি। জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে যে বঞ্চিত হচ্ছেন যারা যারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা দুর্নীতির ফলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাদের স্বার্থে আমরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার পরও যে সমস্ত আচরণগুলো করছেন, কালকে বললেন 90% সব টান হয়ে গেছে, তা এক কাজ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি চলুন একটা গ্রামে যে কোনো এক গ্রামে আপনার একটা লোককে পাঠান, আমরা গিয়ে দেখব যদি 90% কেন 50% লোক যদি ত্রাণ পেয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের আন্দোলন আমরা প্রত্যাহার করে নেব। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে অসত্য ভাষণ দিয়ে বিবৃতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, অসহায় মানুষকে আরও বেশি বিপদে ফেলবেন না, তার কাছে আমাদের অনুরোধ। আমরা এগুলো লক্ষ্য করব, দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা আবার নেব, কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষণা করবো সুজনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলে। দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার অনুরোধ করছি যে দাবিপত্র আমরা পেশ করেছি সেগুলো আপনি দেখুন, খুঁটিয়ে দেখুন, যদি কোথাও ভুল থাকে আপনি আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের না জানালেও প্রেসে জানিয়ে দিন যে এই দাবিগুলো ঠিক নয়, এগুলো সত্যি নয়। আর আপনাকে বলছি कोरोना महामारी के बीच बाढ़ का खतरा किसी अभिशाप से कम नहीं। लगातार बारिश से नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप मुजफ्फरपुर में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि जिले के 3 प्रखंड बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो कि औराई, कटरा व गायघाट प्रखंड है। वहीं बाढ़ के पानी से बेनीबाद कटरा मुख्य मार्ग पर कई जगह लगभग 1 से 1.5 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। लोग पलायन होने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक न ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई पहल की गई है। बाढ़ अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। वहीं लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर गायघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। इधर कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के लोगों ने बताया है कि पंचायत में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की राहत की पहल नहीं की गई है। लोग अपने बच्चों को घर के जरूरी सामान और पालतू मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर ले जाते हुए दिखे। कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया है कि अभी बाढ़ को लेकर किसी तरह की कोई भी तैयारियां नहीं की गई है। अभी पंचायत का बुरा स्थिति है, यहाँ चारों साइड से पानी बस्ती में प्रवेश कर चुका है। राहत को लेकर राहत के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। नाव ये सब प्राप्त हुआ है कुछ? नाव बहुत नगण मात्रा में दिया गया है, जो प्राइवेट नाव ही कार्य कर रहे हैं। मतलब मांग की गई है सीओ से आपकी या जिला प्रशासन से किसी प्रकार की? सीओ साहब से मांग की गई है, जबकि ब्लॉक में नाव की व्यवस्था भी नहीं है। राहत तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, उसका प्रवेश दस परिवार का, पूरा परिवार का खाली जान बचाता है बस। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है, कितने दिनों से ये पानी चढ़ रहा है, कल से पानी है, कितना फीट चढ़ा होगा? 2.5 फीट के करीब है। अब घर में आप लोग का पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया है। नेपाल से आने वाली नदी पसा एवं दुधावरा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदी एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। पुरैनिया गांव के पास बांध टूटा तो कई गांव भतनहिया पंचायत, नरकटिया, पुरैनिया, रामपुर समेत शिशवनिया पंचायत का हालत जलमग्न होने के कारण बाढ़ जैसा रूप ले लिया है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान की फसलें 100% खत्म हो जाएगी। अभी तक भतनहिया के दर्जनों घर में पानी घुस गया है। कई घर भी बाढ़ के पानी एवं वर्षा के पानी के कारण ध्वस्त हो गया है। राजद विधायक डॉ. शमीम अहमद ने बताया है कि सरकारी तंत्र ने नेपाल से आदापुर होकर आने वाली
मरधर नदी को पसा नदी में मोड़ दिया है, जिसमें करोड़ों की राशि बंदरबांट किया गया। इसी कारण पसा नदी के चौड़ाई कम होने के कारण पानी का फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर बांध टूट जाता है। सैकड़ों एकड़ की फसलें नष्ट हो गई, जिसमें 5 पंचायत प्रभावित होती है। 3 साल पहले मरधर पसा और पुराना पसा का विभाग द्वारा टेंडर करके और मेन पसा में इसको आदापुर से ला करके जोड़ दिया। इसमें करोड़ों की घपला हुई। उसी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि आदापुर से पानी ला करके छावड़ा दानों में गांव को डालाना ये विभागीय त्रुटि है और ये लूट का पहले से अड्डा बना हुआ है यह विभाग और उसी में ये पैसे का उगाही हुआ। मैं बार बार विभाग से भी संपर्क में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लापरवाह अफसर पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसको सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5 पंचायत खास करके पुरैनिया पंचायत के डोडिया भवानीपुर पुरैनिया बैसकवा गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी लग जाता है और वहां दहशत का माहौल रहता है और इससे प्रभावित यहां के किसान 5 पंचायत लगभग पुरैनिया पंचायत बतनैया पंचायत रामपुर पंचायत पिनकोनी पंचायत और बगल के आदापुर के बिलैया पंचायत और रामपुर पंचायत ये 5 पंचायत ये जलमग्न हो जाते हैं और इसमें खेती करने के लायक खेत बचता नहीं है क्योंकि पानी इतना रहता है 3 से 6 फीट तक पानी खेतों में लगा रहता है। तो मैं अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये 5 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए। लाइव कोलकाता, आपकी सोच। लाइव कोलकाता, आपकी सोच। महानगर कोलकाता में कंटेनमेंट जोन की संख्या कम हो गई है। पहले ये 28 थी जो अब कम होकर 24 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमण और कंटेनमेंट जोन की संख्या में कोलकाता का 8 बोरो है। इसमें 3 नंबर बोरो भी शामिल है। इनमें 1, 2, 5, 10, 11, 15, 13 और 14 नंबर बोरो में अब कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। आपके सामने है 4 नंबर बोरो का वार्ड नंबर 25 स्थित बलराम देव स्ट्रीट की तस्वीर, जो अभी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है और यहां अभी भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये नई लिस्ट है जिसमें 24 जगह अब कंटेनमेंट जोन के अंदर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बुधवार की दोपहर दुर्गापुर आए थे। दुर्गापुर हाउस में रात बिताने के बाद वह सुबह चित्रकला मैदान के लिए निकले। उनके साथ इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण घोराई भी मौजूद थे। उन्होंने कई भाजपा समर्थकों के साथ मुलाकात की और काफी देर तक उनकी सारी शिकायतों को सुना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई मुद्दों पर लोगों ने उनसे शिकायतें की। কারণ কি যে মিথ্যাচার করেছেন সেগুলো সব ধরা পড়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ সব বুঝে গেছে। আমরা তো জনতার দরবারেই যাব, ওরাই শেষ কথা বলবে। রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা যাব, কারণ আমরা অত্যাচারিত, আমরা পীড়িত, আমাদের লোকেদের হত্যা করা হচ্ছে। ওনারা কেন যাচ্ছেন? আজকে সত্যকে চাপা দেওয়া যত রকম চেষ্টা করছেন সত্য তত বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মিথ্যাচার হয়েছে আর সেই কোভিডের আক্রমণ মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে তারপরে আমফানের যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকেদের সংখ্যা, বাড়ির সংখ্যা, ক্ষতিপূরণের চুরি,
এবং এখন যে ধরনের রাজনৈতিক হিংসা চরম পর পৌঁছেছে, একজন এমএলএ সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তার জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक साथ पांच बच्चों के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आतंक फैला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पांचों बच्चे मुर्शिदाबाद जिले के रानी नगर पुलिस थाने के तहत दक्षिणी शहर के दियारापाड़ा ईट मैदान से सटे इलाके में खेल रहे थे। तभी एक बच्चा खेलते खेलते तालाब में जा गिरा और उसे बचाने गए चार बच्चे भी तालाब में डूब गए। जब चारों बच्चे डूब रहे पहले बच्चे को बचाने गए, उस दौरान मुर्शिदाबाद में काफी झमाझम बारिश हो रही थी, जिससे पांचों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। काफी देर बाद जब बच्चे के माता पिता उन्हें ढूंढने निकले, तब तालाब में उनके शव को तैरता हुआ पाया। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। मौके पर रानी नगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। আমি ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में गिरते शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन छात्रों के माध्यमिक की परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आए हैं, उनके लिए सरकार मुआवजे की घोषणा पर उनके साथ बैठक में चर्चा क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कॉलेजों में दाखिला के लिए पैसे न होने के अभाव में कई छात्राओं का शोषण भी किया जा रहा है। In a war-like situation, where are we heading? Our roof is falling on us and we are not cognizant of it. Why are they opposing it tooth and nail in war-like situation? They have no idea. I therefore can't understand why they are against it. Question was raised on my propriety to call such a meeting. They rush to the media and I do not wish to say much. They get ample coverage. That coverage will hurt the students and society in the long run. I will appeal to the media, engage into balanced reporting. Governor Chancellor takes a stand on sublimity, on way forward approach to alleviate the real grievance of students. But the bigger question is, if the state government is in ever, never-ending denial, then what should I do? Who will do it? I don't see anyone doing it. I pose a question to media, to everyone. Is it inappropriate for a governor to raise legitimate questions? Can education department and VCs proclaim taking them to be higher pedestal, that they will not take a command from the Chancellor? Are they not accountable? When will these people will become accountable? Would they take partisan approach, be inspired by their political masters, ignoring their sense of duty, their concern for students? The saddest element
in their entire dramatics, they forget one thing. These students are in crisis, in deep crisis during pandemic attack. It is a fact now well accepted. लेफ्ट कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को असेंबली के बाहर धरना दिया, जिसमें कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज सहित अन्य बीमारियों से प्रभावित लोगों के पैसे निकालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। लेकिन कार्यक्रम को उस समय के लिए रोक दिया गया जब कोरोना द्वारा विधानसभा कार्यकर्ताओं में से एक पर हमला किया गया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने फिलहाल कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन जिन मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है उनके साथ उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार से कोरोना और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सभी इंतजाम करने और पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ব্যয়বহুল শিক্ষা হয়েছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, কোনো জায়গায় নিচ্ছে না, সরকারি বেসরকারি সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হচ্ছে না, এমনকি অভিযোগ আসছে হাওড়ার একটা করোনা সেন্টার থেকে প্রচুর টাকা দিলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে, ধরাধরি করলে কাউকে মন্ত্রীকে বড় নেতাদের ধরাধরি করলে তবে সেখানে ভর্তি হচ্ছে এবং তার বিনিময়ে টাকা দিতে হচ্ছে, এরকম অভিযোগ আসছে। তো মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম করোনা আক্রান্ত এবং করোনা যারা নয় অন্য রোগে আক্রান্ত তাদের সবার চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা করুন, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখানে ওখানে গিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন, সেটা যেন না হয়। আর আমফানে দুর্নীতি যারা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী এখনও বলছেন, তার নেতা নেত্রী মন্ত্রীরাও বলছেন যে তারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কঠোর ব্যবস্থা মানে পদত্যাগ করানো হচ্ছে বা শোকজ করা হচ্ছে। চোরকে তো শোকজ করে শাস্তি হয় না, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে। আপনি এফআইআর করুন, আমরা আপাতত স্থগিত রেখেছি, কিন্তু এটা চিরকালের জন্য বন্ধ রাখিনি, কারণ আমরা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলন করিনি, জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করছি। জনগণের স্বার্থ রক্ষাতে যে বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা যারা চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা দুর্নীতির ফলে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাদের স্বার্থে আমরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তারপরও যে সমস্ত আচরণগুলো করছেন, কালকে বললেন 90% সব ত্রাণ হয়ে গেছে, তা কাজ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি চলুন একটা গ্রামে, যে কোনো এক গ্রামে আপনার একটা লোককে পাঠান, আমরা গিয়ে দেখব যদি 90% কেন 50% লোক যদি ত্রাণ পেয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের আন্দোলন আমরা প্রত্যাহার করে নেব। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে অসত্য ভাষণ দিয়ে বিবৃতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, অসহায় মানুষকে আরও বেশি বিপদে ফেলবেন না, তার কাছে আমাদের অনুরোধ। আমরা এগুলো লক্ষ্য করব, দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা আবার নেব, কয়েকদিনের মধ্যে ঘোষণা করবো সুজনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলে। দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার অনুরোধ করছি, যে দাবিপত্র আমরা পেশ করেছি সেগুলো আপনি দেখুন, খুঁটিয়ে দেখুন, যদি কোথাও ভুল থাকে আপনি আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের না জানালো প্রেসে জানিয়ে দিন যে এই দাবিগুলো ঠিক নয়, এগুলো সত্যি নয়। আর আপনাকে বলছি, कोरोना महामारी के बीच बाढ़ का खतरा किसी अभिशाप से कम नहीं। लगातार बारिश से नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप मुजफ्फरपुर में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि जिले के 3 प्रखंड बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जो कि औराई, कटरा व गायघाट प्रखंड है। वहीं बाढ़ के पानी से बेनीबाद कटरा मुख्य मार्ग पर कई जगह लगभग 1 से 1.5 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। लोग पलायन होने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक न ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई पहल की गई है। बाढ़ अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। वहीं लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर गायघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। इधर कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के लोगों ने बताया है कि पंचायत में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की राहत की पहल नहीं की गई है। लोग अपने बच्चों को घर के जरूरी सामान और पालतू मवेशियों के साथ ऊंची स्थानों की ओर ले जाते हुए दिखे। कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया है कि अभी बाढ़ को लेकर किसी तरह की कोई भी तैयारियां नहीं की गई है। अभी पंचायत का बुरा स्थिति है, यहाँ चारों साइड से पानी बस्ती में प्रवेश कर चुका है। राहत को लेकर राहत के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। नाव ये सब प्राप्त हुआ है कुछ
नाम बहुत नगण मात्रा में दिया गया है, जो प्राइवेट ना भी खर्च कर रहे हैं। मतलब मांग की गई है सीओ से आपकी, जिला प्रशासन से किसी प्रकार की? सीओ साहब से मांग की गई है, जबकि ब्लॉक में नाव की व्यवस्था भी नहीं है। राहत तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, उसका दस परिवार का, पांच परिवार का खाली जान बचाता है बस। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है, कितने दिनों से ये पानी चल रहा है। कल से पानी है, कितना फीट चढ़ा होगा? 2.5 फीट के करीब है। अब घर में आप लोग का पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया। नेपाल से आने वाली नदी पसा एवं दुधावरा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदी एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। पुरैनिया गांव के पास बांध टूटा तो कई गांव भतनहिया पंचायत, नरकटिया, पुरैनिया, रामपुर समेत शिशवनिया पंचायत का हालत जलमग्न होने के कारण बाढ़ जैसा रूप ले लिया है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान की फसलें 100% खत्म हो जाएगी। अभी तक भतनहिया के दर्जनों घर में पानी घुस गया है। कई घर भी बाढ़ के पानी एवं वर्षा के पानी के कारण ध्वस्त हो गया है। राजद विधायक डॉ. शमीम अहमद ने बताया है कि सरकारी तंत्र ने नेपाल से आदापुर होकर आने वाली मरधर नदी को पसा नदी में मोड़ दिया है, जिसमें करोड़ों की राशि बंदरबांट किया गया। इसी कारण पसा नदी के चौड़ाई कम होने के कारण पानी का फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर बांध टूट जाता है। सैकड़ों एकड़ की फसलें नष्ट हो गई, जिसमें 5 पंचायत प्रभावित होती हैं। ये 3 साल पहले मरधर पसा और पुराना पसा का विभाग द्वारा टेंडर करके और मेन पसा में इसको आदापुर से ला करके जोड़ दिया। इसमें करोड़ों की घपला हुई। उसी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि आदापुर से पानी ला करके छावड़ा दानों में गांव को डालाना ये विभागीय त्रुटि है और ये लूट का पहले से अड्डा बना हुआ है यह विभाग और उसी में ये पैसे का उधारी भाग। मैं बार बार विभाग से भी संपर्क में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लापरवाह अफसर पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसको सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5 पंचायत खास करके पुरैनिया पंचायत के डोडिया, भवानीपुर, पुरैनिया, बैसकवा गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी लग जाता है और वहाँ दहशत का माहौल रहता है और इससे प्रभावित यहाँ के किसान 5 पंचायत लगभग पुरैनिया पंचायत, भतनहिया पंचायत, रामपुर पंचायत, चिनकोनी पंचायत और बगल के आदापुर के बेलैया पंचायत और रामपुर पंचायत, ये 5 पंचायत ये जलमग्न हो जाते हैं और इसमें खेती करने के लायक खेत बचता नहीं है क्योंकि पानी इतना रहता है, 3 से 6 फीट तक पानी खेतों में लगा रहता है। तो मैं अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये 5 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए। लाइव कोलकाता, आपकी सोच